Hey, what's up, ladies and gentlemen? Once again, welcome back to my channel. So, guys, आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि abs वाला part में stomach part होता है, उसमें कौन-कौन सी muscles आती है और कौन-कौन सी muscles कटती है। तो simple सी मैं बात करूँ, generally यहाँ पर कि चार type की आपकी वहाँ पे muscles होती हैं, लेकिन सब क्या कहते हैं कि वो सिर्फ abs वाला part है, वो abs नहीं है। उस abs के साथ साथ वहाँ पे चार muscles divided हो रही हैं। अब ये चार मसल कौन कौन से, वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक चीज और कि हमारा जो कंटेंट चल रहा है पूरा ऑर्गन्स के ऊपर है, कि मींस आपकी जो मसल्स होती है, जो जिम में वर्कआउट करते हैं लोग, कौन कौन सी मसल्स रहती है। बेसिकली सब किसी को यही चीज पता होती है कि बैक नेक पार्ट हो गया आपका, डेल्टन हो गया, शोल्डर जिनको कहते हैं, आपका थाई हो गया, काप्स हो गए, लेकिन उनके अंदर भी बहुत डिफरेंट टाइप की मसल रहती है जो आपके नॉर्मली वर्कआउट करने से नहीं शो होती है। तो इधर मैं बता रहा हूँ आज फिलहाल स्टमक पार्ट्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है जो हमारा, ये है हमारा सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर कौन सा पार्ट है वो मैं चीज बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो बैक होती है ना हमारी, ये वाली जो जैसे बैक का पोर्शन होगा, उसके वहां की जो पसलियां सी दिखती है, हिंदी में बोलूं मैं बिल्कुल नॉर्मली, जो पसलियां होती हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर पार्ट जो हमारा मीन्स ये पसलियों वाला पार्ट। जैसे कि हम बैक का पोज लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बॉडी जो है ऐसे पंप हो जाती है, वी शेप पकड़ती है, और यहाँ से ऐसे आपके एप्स आते हैं नीचे की तरफ। तो जो एप्स आएंगे ना ये प्रॉपरली, ये जो एप्स वाला पार्ट है उसके ऊपर जो पसलिए वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम सेरेटस इंटीरियर। अब बात करेंगे एप्स की, जो मेन मुद्दा है हमारा, मेन जो एप्स है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। एक्सटर्नल ऑब्लिक्स में जो अपर पार्ट है ना हमारे, फोर एप्स है, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। पैसे तो कहने को पूरा सिक्स के लिए होता है, लेकिन ऊपर वाले को ज्यादातर मानते हैं। जो लोअर एप्स होंगे वो अलग एप्स आते हैं हमारे, जैसे कि मैं कहूँ एक्सटर्नल के अंदर भी टू पार्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो आपके सिक्स पैक्स होते हैं जो आपके कंप्लीट, जिसको लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमारे सिक्स पैक्स हैं, लेकिन उसमें भी दो पार्ट आते हैं। ऊपर के फोर पार्ट को तो कहेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक। जो साइड की ऑब्लिक्स होती है जो हमें बाहर की तरफ दिखती है, जैसे आपने देखा साइड विंग्स पोज देते हैं ऑब्लिक्स होती हैं, उनको हम आउटर ऑब्लिक्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो थर्ड वन आएगा हमारा रेक्टस एबडोमिनस। रेक्टस एबडोमिनस का मतलब होता है जो एब्स की जो लाइंस होती है ना, साइड लाइंस, जो हमारा लास्ट वाला एब्स होगा, मीन सिक्स पैक्स की मैं बात करूं, जो सिक्स्थ वाला लाइन होगी हमारी थर्ड लेयर, तो उस थर्ड लेयर के साइड में जो लाइन जा रही होगी नीचे की तरफ ऐसे सी शेप बना के थोड़ा, सो उस वाले पार्ट को कहेंगे हम रेक्टस एबडोमिनस। रेक्टस एबडोमिनस कहेंगे हमारे उस पार्ट को। उसके बाद चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, टेंडिनियस इंटरसेक्शन। टेंडिनियस इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारा एब्स वाला पार्ट है, ये हमारे एब्स है, ये मान लीजिए ये आपके एब्स से सिंपल मैं बात करूं, इसमें जो ये वाली लाइनिंग्स होती है, जो गड्ढे गड्ढे होते हैं, जिसको कहते हैं कि लोग की शार्पनेस आ रही है, कटिंग आ रही है, जो लेयर्स है ना, वो कटिंग जो वाली लेयर्स है, उन वाली लेयर्स का नाम होता है हमारा टेंडिनियस इंटरसेक्शन। तो इधर मैंने बताया आपका स्टमक पार्ट, स्टमक पार्ट के अंदर मीन्स मैंने इधर एब्स वाला पार्ट कवर करा है। एब्स वाले पार्ट में हमारे चार पार्ट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेरेटस इंटीरियर होता है जो हमारे ये वाला पसली वाला पार्ट। एक्सटर्नल ऑब्लिक होते हैं हमारे अपर के फोर एब्स। रेक्टस एबडोमिनस होता है जो हमारा सिक्स एब्स होता है, उसकी वी शेप बनाता है पोस्चर के, वो वाला पार्ट। टेंडिनियस इंटीरियर होता है जो लाइनिंग होती है एब्स की, वो वाला पार्ट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैंने सिर्फ यहाँ पे एब्स के बारे में डिस्कस किया है। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखें, इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और वहाँ कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टा पे मैसेज करो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट आपकी वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर जल्दी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो देखते रहे वाईबी फिटनेस ब्लॉग्स, और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आज की तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ रेगुलरली वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।